घर की मालकिन घर के भीतर और घर की देखभाल करने वाले एक नौकर और दूसरी नौकरानी, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई तो नौकर गुस्से से भर उठा। जहां उसने नौकरानी की जिंदगी छीनने की कोशिश की, लेकिन निवाला घर की मालकिन बनी, जिन्हें चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कैसे खेला नौकर ने यह खूनी खेल, देखिए सनकी सर्वेंट का खूनी तांडव। तस्वीरें आपको खौफ से भर सकती है, आपकी रूह फाख्ता कर सकती है, तो जरा गौर से सीसीटीवी में कैद सन की सर्वेंट का खूनी तांडव देखिए। 2 सितंबर 2016 की सुबह, कैमरा नंबर 2 की निगरानी में काम कर रही घर की नौकरानी रीना किचन के स्लेब पर मिक्सी के भीतर कुछ सामान पीसने की तैयारी में जुटी थी कि अचानक किचन से सटे डाइनिंग हॉल के भीतर जल रहे लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया गया। दूर खड़ा नजर आ रहा शख्स घर का नौकर संतोष है, जो नौकरानी पर नजर बनाए हुए है। तभी नौकरानी रीना मिक्सी की तरफ हाथ बढ़ाती है और लॉबी से होते हुए संतोष किचन में दाखिल होता है। नौकरानी रीना कुछ समझ पाती, हाथ में नोकीला सरिया लिए सन की संतोष ने नौकरानी रीना पर एक के बाद एक 7 वार किए। कभी नोकीले सरिये से जख्मी किया और बात उससे भी नहीं बनी तो किचन नाइफ से नौकरानी की हत्या करने की कोशिश की। जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही नौकरानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त नौकरानी रीना कितनी खौफ से भरी होगी। लेकिन तभी नौकरानी रीना ने नौकर संतोष को धक्का दिया और इस एक धक्के के बाद नौकरानी रीना ने अपनी जान बचाने के लॉबी से सटे घर के मुखिया पेशे से दवा कारोबारी पंकज गंसल की बेटी के कमरे का रुख किया। किसी तरह से कमरे का दरवाजा बंद किया, चीखती रही चिल्लाती रही और जाकर कमरे के बाथरूम में छिप गई। लेकिन नौकरानी की आवाज घर में मौजूद पंकज कंसल की धनपत्नी उमा कंसल के कान तक गई तो उन्होंने बाथरूम से निकल लॉबी का रुख किया, जहां नौकरानी की हत्या करने की फिराक में खड़े नौकर संतोष से सामना हुआ। और उसके बाद क्या हुआ आप भी सुनिए जख्मी हालत में मीडिया से मुखातिब होती नौकरानी रीना की जुबानी। नाश्ता बना के दोनों को खिला दिया, बाप और बेटे को, वो लोग चले गए अपने अपने दुकान पे। और बस उसके बाद भाभी को नाश्ता करके खिला के भाभी बोली मुझे जल्दी जाना है कहीं, तो मैं नहाने जा रही हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी और बस जैसे वो अंदर अपने बाथरूम में भी मैं काम कर रही थी और ये हम लोग लॉक कर लेते हैं अंदर से सब और अपना काम करते रहते हैं अंदर। और उसके बाद बस वो उसने मुझ पर हमला कर दिया किचन में। मालकिन उमा कंसल को देखते ही सन की नौकर संतोष ने पहले तो बेसबॉल के बल्ले से कई वार किए, फिर उससे भी जी नहीं भरा तो किचन के चाकू से एक के बाद एक कई वार किए। नौकरानी रीना अंदर ही अंदर चीखती रही और दूसरी तरफ मालकिन उमा नौकर की खूनी सनक का वार झेलती रही, जो नहीं जानती थी कि उनके ऊपर कहर बनकर टूट रहा नौकर क्यों गुस्से से भरा है, क्यों उसके सिर पर खून सवार है। इस बीच मालकिन को लहूलुहान करने के बाद संतोष ने कमरे के बाथरूम में छिपी नौकरानी रीना को बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे कि वो अपने असली मकसद कामयाब हो सके। लेकिन नौकरानी रीना ने बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला और अपनी जान की सलामती की दुआ करती रही। घर के भीतर लगे 8 सीसीटीवी में एक ही कैमरा नंबर 2 ही काम कर रहा था, जिसमें सन की नौकर का खूनी तांडव कैद हुआ। खूनी खेल की शुरुआत किस बात को लेकर हुई कोई नहीं जानता। मैं दौड़ते लोबी में आकर चिल्लाते लोबी में आ गई। इतने में भाभी मेरी आवाज़ सुन के बाहर निकली और बस उन्होंने भाभी को झगड़ना शुरू कर दिया। मैंने जो पहले कमरा लड़की का कमरा बंद करा, फिर उसके बाथरूम में घुस गई, फिर बाथरूम को भी लॉक कर लिया, फिर वो लास्ट में बाथरूम में भी तोड़ लगा मुझे। पहले भाभी को घायल करने के बाद मुझे भी वो निकालना चाह रहा था कि निकले और फिर मैं इसको घायल करूँगा। कैसे मारा आप लोग? सरिया और चाकू। कितने साल से काम कर रहा था यहाँ? 2-3 साल से कर रहा था। हल्द्वानी के हीरा नगर के रहने वाले दवा कारोबारी पंकज कंसर रोजमर्रा की तरह अपने बेटे के साथ सुबह का नाश्ता करके रवाना हो चुके थे। घर की मालकिन उमा कंसल पति को दुकान भेजकर नहाने की तैयारी कर चुकी थी, जो बाथरूम में थी। लेकिन इसी दरमियान नौकर संतोष ने कातिलाना इरादा पालकर नौकरानी रीना पर वार किए। वार नाकाम हुए
तो घर की मालकिन उमा को ही जान से मार डाला। खबर इलाके में आग की तरह फैली थी। घर का कातिल नौकर संतोष फरार हो चुका था और इलाके में सनसनी का सबब बनी मालकिन उमा की लाश को देखने वालों का तांता उमड़ा हुआ था। खबर बीजेपी सांसद बीसी खंडूरी तक गई तो उन्होंने मौके पर हाजिरी लगाई। हर कोई हैरानी जाहिर कर रहा था। घर के लॉबी में उमा की लाश पड़ी थी, जिनकी हालत देख परिवार तड़पने पर मजबूर था, क्योंकि संतोष पुराना नौकर था और एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन न जाने किस सनक में खूनी कहानी उकेरी। ये हीरानगर में कंसल जी, जो कंसल मेडिकल स्टोर है, पंकज कंसल जी, उनका मकान है और वो अपनी दुकान पे गए हुए थे। इस बीच उनके घर में नौकरानी और नौकर और उनकी वाइफ थे घर में। तो नौकरानी, इसने नौकर करीबन 3-3.5 साल से इनके यहाँ काम करता है और अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ, वो CCTV में भी दिख रहा है, किचन में नौकरानी पे इसने हमला किया है और नौकरानी पे हमला किया है। उसके बाद नौकरानी वहाँ से जान बचा के भाग के अपना बाथरूम के अंदर घुस गई और बाथरूम अंदर से बंद कर लिया। तो उसके बाद ये बेसबॉल का बैट उठा के उनके कमरे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो उसी बेसबॉल के बैट से इसने उनके सिर पे मारा है और जिससे उनकी अभी जो है अपना उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। नौकरानी रीना और नौकर संतोष के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और फिर नौकरानी रीना की मौजूदगी को लेकर नौकर संतोष आग बबूला था। नौकर संतोष घर का पुराना नौकर था तो भला इस हालात में ऐसी क्या बात हो गई कि उसने मालकिन की हत्या कर डाली। नौकरानी रीना के मुताबिक घर में 10,000 रुपयों की लूटपाट की है, जो फरार है और इलाका दहशत में है। भरोसा पुलिस भी दे रही है कि जल्द से जल्द कातिल नौकर को दबोच लिया जाएगा, जिसने सोच पर वार किया जो अक्सर एक अपर क्लास से वास्ता रखने वाले परिवार नौकर से करते हैं कि वो जिस नौकर पर भरोसा करते हैं वो वफादार होगा। लेकिन हल्द्वानी का सन की नौकर कातिल बन गया। दिनेश पांडे, हल्द्वानी समाचार। बाराबंकी की रहने वाली वो लड़की जब शादी के अटूट बंधन में बंधी थी तो उसकी ढेरों सारी ख्वाहिशें थीं। उसने यही सोचकर अपने लिए जीवन साथी को अपनाया था कि पति उसको बेपनाह मोहब्बत करेगा, लेकिन पति के लिए पत्नी का प्यार नाकाफी हुआ तो उस बेगैरत शौहर ने बेवफाई की वो कहानी लिखी, जहां विश्वासघात से टूटी बीवी के सपने बिखर कर रह गए। मगर क्या कानून के कारिंदों ने उस महिला की आवाज सुनी? ये रिपोर्ट देखिए। हर लड़की की तरह उसने भी शादी के हसीन सपने देखे थे। उसकी भी तमन्ना थी कि उसके सपनों का राजकुमार उसे टोली में बैठाकर अपने साथ ले जाए और उसे टूट के मोहब्बत करे। उसके ये सपने सच भी हुए। उसके सपनों का राजकुमार उसे अपने साथ ले भी गया। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ उसके सपनों की दुनिया के मुताबिक चलता रहा, लेकिन अचानक ही उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी के साथ ही उसके मासूम बच्चों के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी की कहकशां की, जिसकी शादी 4 साल पहले लखनऊ के जानकीपुरम में रहने वाले दिलशाद के साथ हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चलिए लिए चलते हैं बाराबंकी के महिला थाने में इंसाफ की आवाज लगा रही शादीशुदा कहकशां के पास, जो पति की रुसवाई की शर्मनाक सच्चाई अपनी जुबानी सुना रही है। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो मेरे हमें कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि मेरे पति का जो है दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। काफी दिन तक के ऐसे ही चलता रहा, तो बोलते रहे कि मतलब सब करती हो, मारना पीटना लड़ाई झगड़ा भगाना सब कुछ। उसके बाद में जो है एक बेटा भी मेरा हुआ, लेकिन तब भी यही कहते रहे कि शक करती है। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक पति दिलशाद के व्यवहार में बदलाव आने लगा। कहकशां जब इस बात के लिए पति दिलशाद से शिकवा करती तो दिलशाद उल्टा कहकशां पर ही शक्की होने का आरोप मढ़ देता। इसी बीच एक दिन दिलशाद के मोबाइल फोन में कहकशां को कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। शौहर दिलशाद एक गैर औरत की बाहों में लिपटा पड़ा मिला, जो गैर औरत की बाहों को हार की तरह सजाते हुए मिला।
तस्वीरें देखकर कहकशां के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन आगे की तस्वीरों में उसने जो देखा उसे बदनसीब कहकशां बयां भी नहीं कर सकती थी। तस्वीरें अश्लील हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इस बात की तस्दीक जरूर की जा सकती है कि शादीशुदा कहकशां की जिंदगी किस मुहाने पर खड़ी है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथ कुछ फोटो ऐसी लगी जो मतलब बहुत उल्टी सीधी आएंगी, हम कह भी नहीं सकते ना दिखा सकते हैं आप लोग को, ऐसी फोटो है। और इसी वजह से मेरे पति ने और घर मेरे ससुराल वालों ने हमको मार पीट कर भगा दिया। मेरे एक 3 साल का बेटा है जी और दूसरा होने वाला है। उनके साथ ससुर से आपने बात जी उनको भी पता है, वो भी तैयार है कि उसके साथ शादी कराने के लिए। थाने गई थी जी? हाँ माणिया थाने भी गए थे, पर वहाँ पर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से महिला थाने आए हैं। इस बारे में कहकशां ने जब पति दिलशाद से बात की तो अपनी गलती पर शर्मिंदगी के बदले वो आग बबूला हो गया और धक्के देकर कहकशां और उसके 2 साल के मासूम बच्चे को घर से भगा दिया। अपने साथ हुई ज्यादती के लिए कहकशां ने लखनऊ के मड़ियांव थाने में इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद कहकशां ने बाराबंकी पहुंचकर अपने भाई को आपबीती सुनाई और भाई के साथ महिला थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। अब महिला थाने में उसे न्याय मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पति दिलशाद की आशनाई ने कहकशां और उसके 2 साल के मासूम बच्चे का भविष्य तो दांव पर लगाया ही, उसके पेट में पल रहे उसके दूसरे बच्चे के मुस्तकबिल को भी जन्म से पहले ही अंधकारमय कर दिया है। कामरान अलवी, बाराबंकी, समाचार प्लस। विश्वास की बुनियाद पर खड़े किए गए रिश्ते टूट रहे हैं, सिसक रहे हैं, और शामली के शैतान ने जिस घिनौनी साजिश का ताना बाना बुना वहां शिकार बीवी बनी है। उस अहवानियत की जहां शौहर ने बहनोई के साथ मिलकर सुहागन की आबरू पर कभी ना भरने वाले जख्म उकेर डाले। हमदर्द बने स्थानीय लोगों से घिरी, अपने पैर के साथ लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही धुंधली तस्वीरों के पीछे नजर आ रही शादीशुदा महिला उस खाव को अपने दामन से समेटे इंसाफ की उम्मीद में आगे बढ़ रही है, जहां सुहागन को बेआबरू करने वाला कोई गैर नहीं है बल्कि वो शैतान सुहाग चंदर है, जिसने ना तो उस विश्वास का ख्याल किया ना ही शादी के उन 7 फेरों का मोल रखा कि जब उसने इस महिला की इज्जत की सुरक्षा की सौगंध ली थी तो क्यों अपनी ही बीवी की आबरू को बेआबरू करने की ठानी। आज पापी पति की हैवानियत से जार जार हुई महिला खुद के साथ हुई जाती से टूट चुकी है, जिसका ख्याल ये सपने में भी नहीं कर सकती थी वो इसके साथ हुआ। इसके पाक दामन को बदनुमा रंग से बदरंग कर दिया गया। पुलिस वालों के सामने बैठी महिला बहुत कुछ कहना चाहती है कि किस तरह से पति चंदर ने इसकी जिंदगी को नर्क के मुहाने पर ला खड़ा किया। कोई पत्नी कैसे ये बात जुमा पर लाए कि जिसने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनाई वो अपना सुहाग है। लेकिन आज दरकार इसी बात की है कि इस महिला को इंसाफ मिले। यही वजह है कि हैवानियत के उस घिनौने पल को जुबान पर लाने की जरूरत आन पड़ी है। आप भी सुनिए कैसे इस महिला की आबरू से खिलवाड़ किया गया, गैंगरेप का घिनौना जख्म सहने पर मजबूर होना पड़ा, जहां पति ही नहीं बल्कि बहनोई बलात्कारी बन हवस की आग बुझाते रहे, जिस्म नोचते रहे, खरोचते रहे, किसी ने इस महिला की मिन्नतें नहीं सुनी। मेरा घर वाला और मेरा वो लंडोई तो वे दोनों आए थे जी, तो खाने में कुछ लड़ा गए तो मैंने लेट खाया खाना, तो मेरे पापा जी ने पहले खा लिया था, वो बेहोश हो गए थे और जब मैंने बहुत बार खाया मैं खाया था चलो खाना, तो मुझे भी पड़ के सूद दिए, मैं सख्त गलत काम करा दी मैंने। जिला शामली के थाना कांधला इलाके की रहने वाली महिला अपने घर में थी, जहां पति चंदर समेत बहनोई संजीव ने हाजिरी लगाई। महिला ने बहनोई की खातिरदारी के लिए कई तरह के खाने का बंदोबस्त किया, लेकिन उसे क्या पता था कि पति चंदर एक घिनौनी साजिश को रच उसकी आबरू से खिलवाड़ करेगा।
रात के भोजन में पति चंदर ने कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको हलक से उतारते ही बीवी बेसुध हो गई। उसे होश ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे बेसुध रात गुजरती गई, उसने उस सच को अपनी खुली आंखों से देखा, जहां शिकारी भेड़िए की तरह पति चंदर समेत बहनोई संजीव टूट रहे थे। प्राकृतिक यौन शोषण करने पर आतुर दरिंदे बन चुके पति चंदर ने एक मर्तबा नहीं सोचा कि वो अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जिनके जवाब आज मिल भी जाएं, तो उस विश्वास का क्या होगा जो एक पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है। आज सारे रिश्ते टूटकर बिखर चुके हैं। वो पाक रिश्ता कलंकित हो चुका है जो शादी के बाद एक महिला अपने पति से चाहती है। एक थाने पर प्रार्थना पत्र आया, तहरीर आई है कि वो इसमें प्राकृतिक कुकर्म का इसमें संबंध में जांच करके मुकदमा कायम किया जा रहा है। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं है, जैसी तहरीर आ चुकी है और उसमें मुकदमा कायम होगा, तत्काल दबिश देकर जो आरोपी है उनको तत्काल गिरफ्तार कराया जाएगा। ससुराल पहुंचकर शौहर शैतान बन गया। खाना खाने के वक्त ससुराल पक्ष को नशीला खाना परोसा, फिर बीवी के साथ गैंगरेप की वारदात कर दी। किसी तरह से होश आया तो पत्नी ने घर वालों को पूरी आपबीती सुनाई कि उन्होंने दामाद नहीं अपने लिए ऐसा दानव तलाशा है जो उनकी बेटी की इज्जत का लुटेरा निकला, उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला गया। कितनी खुशी से इस परिवार ने अपनी बिटिया की शादी रचाई थी, यही सोचकर कि जिस घर में बेटी जाएगी वहाँ उसका शौहर उसे जिंदगी भर खुशियाँ न्योछावर कर देगा। लेकिन आज इस बेटी के दामन में कभी न भरने वाले जख्म सिमटे हैं, जिन्हें चाहकर भी ये बेटी अपने जहन से नहीं निकाल पाएगी, कभी नहीं भुला पाएगी। ताउम्र वो घिनौना जख्म एक नासूर की तरह सालता रहेगा, तड़पाता रहेगा, और जवाब यही मिलेगा जो आज पुलिस दे रही है कि कार्रवाई की जाएगी, मगर उस कार्रवाई से क्या, जहाँ पाक रिश्ते रोने पर मजबूर हैं, विश्वास छलनी हुआ है। वरुण चौधरी, शामली, समाचार प्लस।